हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। अमरनाथ बेस कैंप से अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। चंदनवाड़ी से बेताब वैली का डिस्टेंस गूगल पे बता रहा है 8.9 किलोमीटर्स, तो लगभग और 18 मिनट लगेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आज हम लोग सुबह सुबह निकले थे एक्सप्लोर करने कश्मीर के ABC वैली। इंजन ब्रेकिंग पर नाम जी कारण ब्रेकिंग ऑलरेडी आवाज हो चलो। सो गाइज, अभी का रोड पूरा डाउनहिल है एंड बहुत ही केयरफुली ड्राइव करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कश्मीर के ABC वैली में से अभी हम लोग जा रहे हैं बेताब वैली। फिसलान 6 किलोमीटर्स और पहलगाम है 14 किलोमीटर्स। बेताब वैली का डिस्टेंस यहाँ से है और 6.5 किलोमीटर। रोड बहुत ही नैरो है एंड जस्ट सामने का व्यूज देखिए। ये रास्ता ना सीरियसली बहुत ही खूबसूरत है। Beep beep.
गाइस अभी हम लोग जस्ट पिता वैली के पास पहुंच ही चुके हैं, तो और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसे जो ने 20 तो ये है फर्स्ट झलक बेताब वैली का। हम लोग को नीचे उस वैली तक जाना है। भैया बेताब वैली ये है क्या? सो गाइस बेताब वैली का रास्ता ना बहुत ही स्टीप है। अगर आप लोग खुद के पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो देन अपने कंफर्ट के हिसाब से इस रूट पे आना। ये रोड अभी तो पूरा डाउनहिल है, आई डोंट नो कि कैमरा में कितना पता चल रहा है। वैली है ना भैया? हाँ भैया कितना आगे है? और बस पास में ही है थोड़ा सा, विद इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स। ठीक है भैया, थैंक यू। हो गया तो यहाँ पे हम लोग 20 रुपीज का एंट्री फी दिए। এখানেই করো, শুট ছেড়ে দাও। সেটাই তো, এখানে কি করে পড়াবে। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुंच चुके थे बेताब वैली। वैसे बेताब वैली में स्नोफॉल नहीं थी लेकिन आज टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ है तो पार्किंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल बात होगा। बेताब वैली इससे पहले हजन वैली के नाम से जानी जाती थी लेकिन बॉलीवुड फिल्म बेताब यहीं पर शूट हुई थी। उसके बाद से ये वैली को सब कोई बेताब वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पानी में घोड़ा चलता है, देखो इधर रिवर राइडिंग। पानी में कहीं घोड़ा नहीं चलता है, खाली बेताब वैली में। लीडर नदी के पास बनी बेताब वैली वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके थे पार्किंग लॉट पे। बेताब वैली में एंट्री फीस है 100 रुपीज पर पर्सन। बेताब वैली में खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ यहाँ का मेन अट्रैक्शन ये ब्रिज है। यहाँ पे आप लोग अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करवा सकते हो। बेताब वैली पे कुछ अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करने के बाद हम लोग निकल पड़े आड़ू वैली के लिए। যাবে तो बेताब वैली के पार्किंग लॉट से निकलते ही ना ये कर्व सबसे स्टीप है, ज़्यादातर गाड़ियाँ ना यहीं पे फंस रही है।
making you turn. Take the next left onto National Highway 501. जाना वैसा थोड़ा सामने थोड़ी देर हम सीधा जाएंगे ना ले लो सामने बेताब वैली से आरू वैली का डिस्टेंस है 19 किलोमीटर। आरू वैली पहुंचने में हमें लगे लगभग 30 मिनट। आरू वैली बेस कैंप है ट्रैकिंग एक्टिविटीज के लिए। कुछ अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े पहलगाम जाने के लिए। सो गाइस हम लोग आरू वैली पे ना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए क्योंकि आज ही हम लोग को पहलगाम से जाना है श्रीनगर। टोटल 91 किलोमीटर्स है तो पूरे रास्ते पे हम लोग को टाइम लगने वाला है 2 आवर 10 मिनट्स। पूरे पहाड़ देखो स्नोफॉल, वो दूर का पहाड़ में अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हल्का हल्का बारिश भी होने लगा है। मौसम अभी बहुत ही ठंडक हो गया है, ठंडक। सो गाइस कश्मीर का एबीसी वैली एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं पहलगाम। नेक्स्ट ब्लॉग पे रहेगा पहलगाम से श्रीनगर तक का जर्नी। वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।